हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री, एम्स, बेस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का डे टू है। डे वन में हमने क्या किया था, फिजिक्स के क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वो आप लास्ट डे क्वेश्चंस के लिए ट्रीट कर सकते हो। जैसे होता है ना, लास्ट वीक में आप एक बार भी अगर सिर्फ ये क्वेश्चन भी पढ़ जाओगे तो आप 30-40 मार्क्स आराम से गेन कर लोगे। सिर्फ मैं लास्ट वीक की बात कर रही हूँ, मतलब अगर आपके लेवल जीरो पे, कोई प्रिपरेशन आपने नहीं की है। देखो, अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं किया है, आपने सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, तो भी मैं ये बोलूँगी कि आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगा के जाओ। क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा ना आपका, तो आपको ये रहेगा कि आपने मेहनत की थोड़ी बहुत जितनी भी थी, और कम दिन थे उसमें की है, तो आपके 50-60 मार्क्स बने हैं। एक दो नंबर से सिलेक्शन रह गया तो अगली बार तो कन्फर्म हो ही जाएगा। तो इस वजह से बोल रही हूँ, एटलीस्ट कुछ चीज़ें करके जाओ। मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये करो, माइंड मैप करो, इतना भी कर लोगे तुम्हारे 50-60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। बट सिलेक्शन के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस मच मोर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट दो, अच्छा अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, फिजिक्स हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है, इसके 20 क्वेश्चंस अराउंड हमने कवर किए थे। तो आज हम करेंगे हमारा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन एक्स ई आर, इसमें सेम नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हम सबको जो है स्ट्रक्चर की फॉर्म में पहले देखेंगे, तब हमें पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास तीन ही एटम है, यहाँ हमारे पास देखें तो पांच एटम है, यहाँ हमारे पास देखें तो छह एटम है। अगर तुम इसके अकॉर्डिंग करके जाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्स ई ओ थ्री का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्स ई ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड, दो दो चार दो छः। अब दो जो आपके इसमें लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर रह गया, दो इलेक्ट्रॉन रह गए, वो हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इसके पास कितने लॉन पेयर हैं, लॉन पेयर्स हैं आपके वन, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक्स ई और फोर, एक्स ई एफ के साथ ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एफ 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 और एफ। ऑक्सीजन के साथ अगेन डबल बॉन्ड बनेगा, और ऊपर हमारा क्या रहेगा, लॉन पेयर। लॉन पेयर मैंने कैसे, क्योंकि एक्स ई क्या है आपका, मैक्सिमम जो है इसके पास ये एट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। फ्लोरीन के साथ तो हो गए चार, दो किसके साथ हो गए, ऑक्सीजन के साथ, दो इलेक्ट्रॉन रह गए, वो आपके लॉन पेयर में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक लॉन पेयर यहाँ हो गया। अब एक्स ई एफ सिक्स, इसमें कितने हो जाएंगे, एक्स ई एफ सिक्स में एक्स ई, अब आप सोचोगे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ऐसा स्ट्रक्चर बना दोगे। बट मैंने क्या बोला था, ये तो एट बॉन्ड बना सकता है ना, बट ये तो कितने हुए, सिर्फ छः ही हुए, हमारे पास सात आठ दो और हैं, मतलब दो और हैं कि आपके पास यहाँ पे एक और लोन पेयर रहेगा। तीनों में कितने लोन पेयर हैं, एक एक लोन पेयर यहाँ पे है। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको राइट ऑप्शन नहीं बताया था, तो मैंने एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि आप आंसर प्लीज़ साथ में बताएं, तो मैं अभी आपका आंसर साथ में बताऊँगी, ठीक है। एंड में मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ आयंस द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वा सोल्यूशन इज मोर स्टेबल देन अदर। देखो, यहाँ पे हमें स्टेट बतानी है कि पहले के कंपेयर में दूसरी स्टेबल कहाँ पे होएगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास में इस वाले एटम की, ठीक है, ये जो है हमारा मोर स्टेबल होगा कंपेरेटिव टू दिस बिकॉज ऑफ देयर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कन्फिग्रेशन देखोगे एंड में आपका या तो हाई फिल्ड, सॉरी फुल्ली फिल्ड, या तो आपका मोर स्टेबल होगा या फिर हाफ फिल्ड होगा। अगर ये दोनों हैं, मतलब मान लो ये और ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो हम फुल्ली फिल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हाफ फिल्ड से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलाइसिस। प्रोपाइन कौन देगा हाइड्रोलाइसिस पे, ये हमारा देगा मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड की हमारी रिएक्शन भी है C3+, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं यानी कि हम वाटर ऐड करेंगे, ये क्या दे देगा हमारे पास में CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CH। यहाँ पे मेरे को कैसे पता कि ये बना, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रोलाइज होके क्या दे देगा, MgOH होल ट्वाइस, ये आयन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। सो अब हमारे पास तीन कार्बन हैं, ठीक है, इनको हम बैलेंस करेंगे और हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्रोपाइन, क्या आएगा, प्रोपाइन। अगला है, द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स इज, पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा BeOH2 और ZnOH2, ये हमारे एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स हैं।
ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और. कार्बोनेट और यहाँ पे कौन सी है? सो पायरोलोसाइट, डायस्पोर, मेलेकाइट और कैस्ट्राइट. इनमें से आपकी जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, मेलेकाइट क्या है हमारी कार्बोनेट और है. यहाँ पे हमारा मेटलर्जी का क्वेश्चन है, सब बच्चों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किस और में कौन से आपका कौन सी और कौन से टाइप की है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो यहाँ से. ये क्वेश्चन ना लास्ट टू लास्ट ईयर हर दो साल में रिपीट होता है, ठीक है. इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है, चाहे इस वीडियो को सेव करूँ या कुछ भी करूँ, कि एग्ज़ाम में आपको ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, 101% मिलेगा, ठीक है. क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत फ्लक्चुएटिंग है कि आता रहता है. हमारे पास क्या है, यूरेनियम है 92-238, और 8 अल्फा पार्टिकल इसमें से गए और 6 बीटा पार्टिकल इसमें से गए, ठीक है, एमिट हो गए यानी कि चले गए. अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, जो नया हमारा कंपाउंड होएगा, हम मान लेते हैं एक्स कोई भी कंपाउंड है, उसके पास में 206 और हमारे पास में 82, ये हमारा रेशो आएगा. अब यहाँ पे देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटोन क्या हो जाएंगे, 82, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूँ तो इसमें से ये माइनस होएगा, कितने आ जाएंगे, 124. इनका रेशियो हमें बताना है, तो 124 बाय 82 कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 62/41 आ जाएगा. 62/41 कौन सा है, सी ऑप्शन, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन इज. अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत हार्ड लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंड्स की फॉर्म में चीज़ें गिवन है, बट यहाँ पे सिंपल सी आपको एक लाइन याद रखनी है, एक ऑर्डर याद रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा. दैट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में रिपीटेड मिल सकता है, ठीक है. एक क्वेश्चन तो ये बोल मैं बता रही हूँ आप लोगों को, करके जाना अच्छे से. और एक है आपका फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपको याद होनी चाहिए, जो कि है आयोडीन, ब्रोमीन, ये ब्रोमाइड आयन है बिकॉज, क्लोरीन, इससे ज़्यादा NH3 का होगा, इसके बाद NO2-, CN नेगेटिव और CO, ठीक है. सो ये आपको याद होनी चाहिए सीरीज, ठीक है. निमोनिक्स देख सकते हो, गूगल पे मिल जाएंगे इजीली, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आयन, और क्वेश्चन में कंपाउंड की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है. सो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट का ही मैच कर रहा है, NO, NH3 और H2O, ये तीन ही सीरीज़ यहाँ पे गिवन है. सबसे ज़्यादा किसकी है हमारे पास में यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन. अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास में वेवलेंथ का ऑर्डर यहाँ पे पूछा है, ठीक है. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है, वाटर की, देन किसकी है, NH3 की, देन किसकी है, NO2 की, ठीक है. यहाँ पे ये क्या है हमारे पास में, फील्ड स्ट्रेंथ, ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया. तो जो फील्ड स्ट्रेंथ है, अब ये भी याद रखना है कि वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इसके अपोजिट चलती है, ठीक है. इंपॉर्टेंट अगेन, यहाँ पे वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन कह रही मैं, बट हाँ ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, डायरेक्ट फील्ड स्ट्रेंथ पूछ लेंगे या फिर ऐसे वेवलेंथ में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है. आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है, F2 फॉर्म बाय रिएक्टिंग K2Mn6 विद. F2 कहाँ पे बनेगा, किसकी रिएक्शन के साथ बनेगा. यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अगर हम बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग सॉरी लेविस एसिड की अगर हम बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, SbF5. ये SbF5 MnF6 को रिप्लेस कर सकता है, तभी आपका ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास में द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर इज. आइसोइलेक्ट्रिक मतलब सेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मैं मतलब एक होता है ना बिल्कुल हाई पीच वाले क्वेश्चन वो बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आना चाहिए, जैसे कि Cl, जो मैं आंसर है ना डायरेक्ट वही बता रही हूँ, क्योंकि फिर आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा. ClO2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे, इसके बाहर ही उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन में 8 होता है, तो 2 और 6 हम डालते, तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में है, +6, ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो ये काउंट करोगे, उसके बाद में हमारे पास जो अगला कंपाउंड है ClF2 पॉजिटिव, ये कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन. ये कितने हैं, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7+7, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा. तो ये दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम होंगे. विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल आर यूज, यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है. विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल आर यूज टू मैन्युफैक्चर मिथाइल आइसोसाइनाइड दैट कॉज भोपाल ट्रेजेडी. कौन सा जो यहाँ पे केमिकल है वो मैन्युफैक्चर मतलब इंडस्ट्रियल तौर पे मिथाइल आइसोसाइनाइड कैसे बनती है, वो यहाँ पे पूछा है.
सो मिथाइल अमीन एंड फोस्टीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मिथाइल अमीन एंड फोस्टीन बनके क्या बनाते हैं आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट बनाते हैं. तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, वन एंड टू इसमें सी में, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. अगला है इफ दैट इज द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल दैट प्रेजेंट द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस ए बी सी ए बी सी, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का क्वेश्चन आपको वो पता होना चाहिए फॉर्मूला, टू इंटू क्या होता है नंबर ऑफ एटम. नंबर ऑफ एटम यहाँ पे क्या है, जेड है, तो टू इंटू जेड, टू जेड बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए. अगला क्वेश्चन है फोर रिएक्शन, ये हमारे पास में रिएक्शन गिवन है, ठीक है. यहाँ पे के सी की वैल्यू गिवन है, के पी हमसे पूछा है, के पी का फॉर्मूला होता है के सी आर टी दी पावर डेल एन. ये फॉर्मूला पुट करके आप आराम से आंसर निकालोगे. के सी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू 0.0821 होती है. यहाँ पे ये हमारे पास में सेल्सियस में गिवन है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 700 बन जाएंगे. उसके बाद में आप निकाल सकते हो, करेक्ट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, ठीक है. निकाल के मुझे बताना आया कि नहीं आया. अगला है थ्री फिनाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद एच बी आर गिव. देखो यहाँ पे हमारे पास थ्री फिनाइल प्रोपीन गिवन है. सबसे पहले फिनाइल प्रोपीन हमें लिखना है, रिएक्शन करवानी है एच बी आर के साथ. तो यहाँ पे मार्कोनी रूल क्या कहता है, मार्कोनी रूल कहता है कि एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव. जो नेगेटिव वाला है ना, ये आपके उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पे जो आपकी सब्सटीट्यूट ज़्यादा है, मोर सब्सटीट्यूशन है और लेस हाइड्रोलेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन है. सो यहाँ पे जाएगा, दैट इज़ C6H5CHBr, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. फिर यहाँ पे भी तो कुछ आना चाहिए, दैट इज़ ये H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा CH2CH3. कहाँ पे ऐसा गिवन है, B ऑप्शन में गिवन है, तो B ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. 14 क्वेश्चन हमने किए हैं इन केमिस्ट्री एंड 20 क्वेश्चन हमने फिजिक्स में किए थे. अब बात करेंगे हम बायोलॉजी के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो. बायोलॉजी में हम अराउंड 30-40 क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे, 40 क्वेश्चन आई थिंक होंगे उसमें. सो डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट है. कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं ना ऐसे अभी मैंने फर्स्ट जो ये था ये मैंने सेपरेट करवाया, लाइक फिजिक्स अलग वीडियो में थी, केमिस्ट्री अलग वीडियो में थी, बायोलॉजी अलग वीडियो में थी. जो अगले क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपके अराउंड 19 ऐसे पेपर फॉर्म में करवा दूंगी, जिसमें पीसीबी तीनों ही होंगी, ठीक है. और जीके एंड में 2-3 वीडियोज़ हो जाएंगी, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है. बाकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट ज़रूरी है. मैं अपने बैच के बच्चों को भी यही बोलती हूँ, 2 मॉक टेस्ट अगर आपके पास में आ रहे हैं पर डे तो अपना उनको यूटिलाइज़ करो. अगर सिलेबस पूरा नहीं है तो क्या करो, मॉक टेस्ट निकालो 2, ठीक है. मान लो 50 में से तुम्हारे 2 ही क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व हुए, अब जो 48 क्वेश्चन है उनको देखो कि क्यों सॉल्व नहीं हुए, क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ था, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, वो देखो, देन उसका नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, दूसरा टेस्ट दो. 50 में से तुम्हारे डेफिनेटली 4 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है. 2-2 क्वेश्चन की इंप्रूवमेंट होएगी तो 30 दिन तुम्हारे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कर लोगे, 30 में से 20 क्वेश्चन आराम से कराओगे. बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन करना. बैठे बैठे सोचने से कुछ भी नहीं होगा कि बस ऐसे मैं फिजिक्स कर लूं, वैसे कर लूं. क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, अब आपको एक्यूरेसी मिल रही है कि हाँ एम्स नर्सिंग का ये लेवल है, उसकी चीज़ की मतलब चीज़ें मिल रही हैं, तब आप कर सकते हो, ठीक है. बाकी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो बताना. वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता के जाना, ठीक है.